सर हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो ये लकड़ी का हम लगाया होता है ये बह जाता है। तो पहले भी हमने मांग की प्रशासन से, बैक टू विलेज हुआ इधर दो बार, हमने उनको लिख कर उन्होंने चली लिया कि जहाँ हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। थोड़ी सी बारिश होती है जे परसों बारिश हुई थोड़ी सी जे बह जाता है, फिर हमें 40-50 आदमी इकट्ठे नहीं करना पड़ते हैं तो इसको लगाना पड़ता है। मगर जहाँ एक वो दिया खरौली दी जाए या छोटा सा वो पुल दिया जाए, सर बड़े गांव हैं इधर, इधर पार 60-70 मकान होंगे, 60-70 इधर हैं, उनका आना जाना इसी से होता है क्योंकि गाड़ी इधर पार ले लोगों को गाड़ी जो नज़दीक पड़ती है पुल से आना पड़ेगा उनको, 2 घंटे का टाइम चलेगा, इधर से आधे 1 घंटे में ऊपर उनको बस मिल जाती है। आज परसों बह गया था, आज फिर इसको लगा रहे हैं। मैं पटनगढ़ का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3 का है। छोटी अगर बारिश भी होती है, बड़ी बारिश आती है, बच्चों को आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें स्कूल में गाड़ी हमारे है नहीं, हमारा छोटा सा एक मान लो 300-400 घर है हमारा, जहाँ हमारे किसी की कोई सुविधा नहीं है, कोई स्कूल में आने जाने की है, गाड़ी की है, कोई सुविधा नहीं है और सोर्स नहीं है। यही एक सोर्स था, इसलिए हमें सरकार से यही निवेदन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भेज करके जो हमें एक छोटा सा पुल दिया जाए ताकि हमें सुविधा मिल जाए। पहले हमें कोई पब्लिक की तरफ से कोई ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ से तो नहीं आया है, बट अभी आपके मीडियम से मुझे पता चल रहा है, सो हम इसको वेरीफाई करेंगे और कंसर्न जो भी PRIs हैं वहाँ से वेरीफाई करके और उसमें जो भी जो उसमें जेन्युइन जो कार्रवाई होगी, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट PWD या PMGSY अगर ये ब्रिज के रिगार्डिंग है तो उनसे टेकअप कर लेंगे हम आफ्टर वेरीफाइंग इट फ्रॉम द पब्लिक एंड द PRIs ऑफ दैट पंचायत दैट विलेज।